प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ठीक है। तो देखिए साधारण ब्याज के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई आपने पढ़ भी रखा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, बट क्या है आप थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लोगे, रेगुलर तरीके से और देख लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग आप लोग एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए। सभी को नमस्कार है, बहुत बहुत सभी का स्वागत है यहाँ पर। और एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए आप, ठीक है। आपके जितने भी फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पर भी हैं आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और देखिए आज हम नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। और देखिए सिंपल इंटरेस्ट आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम है, चाहे पटवार हुआ आपका या फिर यूपीएसआई हुआ, ठीक है, या फिर आपका अभी ग्राम सेवक का आने वाला है एग्जाम, ठीक है, उन सब में ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो आप लोग, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाता चलूंगा और आपको प्रैक्टिस भी कराता चलूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोग जुड़ जाइए जितने बच्चे जुड़े हैं। हाँ भाई, ये राजकुमार वर्मा गुड मॉर्निंग, ऋतिक सिंह गुड मॉर्निंग, और भी जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग। सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए। और देखिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। और देखिए साधारण ब्याज जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर है, ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है साधारण ब्याज, ठीक है। और यहाँ से एक ना एक प्रश्न हर एग्जाम में आता है, ठीक है। इससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस कराई थी, काफ़ी क्वेश्चन कराए भी हैं। हाँ भाई अजी राम मीना गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो देखिए आप लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग, जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइए और अपने यार मित्रों को भी शेयर कर दीजिए क्लास। तो देखिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज की बात करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाई प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल मतलब पी, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल होता है, आप किसी वस्तु को किसी से पैसा उधार लेते हो या फिर पैसा उधार देते हो, ठीक है। जो ब्याज आपका आता है दो ही कंडीशनों में आता है, या तो आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तब आपको बैंक मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर कोई ना कोई ब्याज देती है, या फिर आप बैंक से उधार लेते हो, ठीक है, तब आपको कोई ना कोई ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। तो देखो ब्याज दो ही कंडीशनों में होता है, या तो आप पैसा उधार दोगे या फिर पैसा उधार लोगे, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलो आपने 5,000 रुपये उधार लिए, तो उधार देना या फिर लेना क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। उधार देना या फिर लेना क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। आपने 5,000 रुपये उधार दिए और आप एक वर्ष बाद 6,000 रुपये वापस ले रहे हो, ठीक है। अब इस 6,000 के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे 5,000 रुपये तो आपने उधार ही लिए, 1,000 रुपये क्या हुआ आपका, ब्याज हुआ। ये 5,000 रुपये तो आपने उधार लिए, ये तो आपका मूलधन है, क्या है भाई, मूलधन है, ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में, ये तो क्या है मूलधन, और 1,000 रुपये क्या है आपका ब्याज है, 1,000 रुपये क्या है आपका ब्याज, ठीक है। और यहाँ पर देखो मूलधन प्लस ब्याज ये क्या बनेगा आपका, मिश्रधन बनेगा, क्या बनेगा मेरे भाई, मिश्रधन बनेगा, अमाउंट बनेगा, ठीक है, इसको अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप ध्यान रखना ए बराबर क्या होता है, पी प्लस आई होता है, ठीक है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ये ध्यान रखना। कोई सा भी ब्याज आप लोग पढ़ रहे हो, मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। देखो कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको बता देता हूँ ताकि कुछ बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है, उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ए बराबर क्या होता है, पी प्लस आई, ठीक है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में, बस ध्यान ये रखना है, ठीक है। कमलेश मीना गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, विष्णु कुमार गुड मॉर्निंग, राहुल सिंह सभी को नमस्कार है, ठीक है, आगे समझ में, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, देखो आपको बस एक ही फॉर्मूला जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप, ऐसा ही बराबर होता है पी गुना टी गुना आर बटा 100, ठीक है, पी गुना टी गुना आर डिवाइडेड बाई 100,
ठीक है, पी गुना टी गुना आर बटा सो, ठीक है, जहां पर आप लोग पता है आपको, ठीक है, कि भाई पी क्या है, पी है आपका प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है, पी क्या है यहां पर, मूलधन है आपका, क्लियर। और भाई आर क्या है यहां पर, रेट, रेट मतलब दर है, ठीक है, रेट मतलब दर है, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में। टी क्या है आपका, टाइम, टी मतलब समय है, ठीक है। और एसआई, एसआई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई क्या है यहां पर, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज है, ठीक है, बस ये आपको दिमाग में रखना है और बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और हम कोई फॉर्मूला काम में नहीं लेने वाले हैं, तो आप लोग सभी इन्हीं चीज़ों को देखते चलोगे, ठीक है। और जो बच्चे पेड बैच वाले हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, और रिवीजन के साथ साथ उनको नई नई क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चे पेड बैच, देखो पेड बैच हमारा शाम को चलता है एप्लीकेशन पर, ठीक है, जो बच्चे पेड बैच खरीदने के इच्छुक हैं मैं बता देता हूँ, पेड बैच शाम को एग्जाम फंडा एप्लीकेशन पर चलता है, EXAM एग्जाम FANDA एग्जाम फंडा एप्लीकेशन पे चलता है ये पेड बैच, ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में। और इसकी फीस मात्र 599 रुपये में आपको पूरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। तो आप पेड बैच में आ सकते हो, पेड बैच जो बच्चे परचेज करना चाहो, ठीक है। देखो पेड बैच में क्या, एक जैसे कि आप ऑफलाइन बैच में पढ़ते हो नहीं, आप एक सिस्टमेटिक वे में, उसी तरीके से आपको पेड बैच के अंदर पढ़ाया जाता है। तो जो भी बच्चे आप पेड बैच में आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे पेड बैच में आ सकते हो, ये एग्जाम फंडा एप्लीकेशन पर चलता है, ठीक है। और यदि किसी को ये पेड बैच खरीदना है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करो, 7906711643, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हम यूट्यूब पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि हम टॉपिक जो थ्योरी है उसकी पूरा हमको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और जैसे कि अब ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो मैं ये पेड बैच में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कल ही खत्म हुआ है पेड बैच में, अब कल सिंपल इंटरेस्ट खत्म हुआ है, यहाँ पर प्रैक्टिस चालू हो गई, ठीक है। तो अब उन स्टूडेंट का डबल फायदा हो रहा है भाई, आप सोच सकते हो कि उन्होंने मात्र 599 रुपये पे किए हैं, और उन 599 पे करने के बाद उन्होंने पूरा चैप्टर तरीके से पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उनको डबल फायदा होने वाला है। इसलिए जो बच्चे पेड बैच के हैं वो रेगुलर रहिए, तरीके से प्रैक्टिस करिए। हाँ भाई, राहुल सिंह, सलोनी शर्मा, अंजरम मीना, हाँ भाई लाइक एंड शेयर करते चलो, सभी को नमस्कार। बीरेन सिंह, चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम देखो सीधा क्वेश्चनों के साथ ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, अब हम सीधा क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि जैसे कि मान के चलो आपको प्रिंसिपल दे रखा है, 10,000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है, ये आपको प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की यदि बात की जाए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की यदि बात की जाए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 20% है, ठीक है। और यहाँ पर समय है 4 वर्ष, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है कि भैया ऐसा ही बताओ, आप क्या बताओ, ऐसा ही बताओ, क्या बताओ, ऐसा ही बताओ, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बताओ, ठीक है। तो देखो सिंपल, आप लोग क्या करोगे, एक तरीका तो आप फॉर्मूला यूज करोगे, क्या करोगे, फॉर्मूला, फर्स्ट मेथड, ठीक है, और यही पढ़ रखा है हम लोगों ने, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही बराबर पी गुना टी गुना आर बटे में सो, यही होता है मेरे भाई, समझ में आ गया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर P कितना है, आप कहोगे सर 10,000 है, ठीक है। T कितना है यहाँ पर, T है 4 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20/100, यही है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, सॉरी, ठीक है। इसको आप यदि कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुए, ठीक है। और यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 हुआ, और यहाँ पर कितना हो गया, 8,000 हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आपका साधारण ब्याज कितना बना है यहाँ पर, 8,000 आपका आंसर बना है, ठीक है। सिंपल, कोई भी स्टूडेंट इसको कर सकता है, बट आप देख रहे हैं आपने यहाँ पर फॉर्मूला काम में लिया है। अब इसी क्वेश्चन को आप विदाउट फॉर्मूले, यदि हम बात करें इसी प्रश्न को, आप लोग विदाउट फॉर्मूले से बात करें कि भाई विदाउट फॉर्मूले इस प्रश्न को अपन कैसे, किस तरीके से करेंगे, ठीक है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को हम लोग विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया इसका फॉर्मूले से, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग विदाउट फॉर्मूले किस प्रकार से करोगे वो आप देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये था अपना प्रश्न, यही था, ये एज इट इज आ गया। अब देखो इसी प्रश्न को आप विदाउट फॉर्मूले सेकेंड कैसे करोगे, देखिए
आप देखो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है, ठीक है, 10,000 रुपये दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% एनुअली, मतलब वार्षिक है, ठीक है। समय कितना है, 4 वर्ष। साधारण ब्याज आपको याद करना है, हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको आप दूसरे फॉर्म में करोगे तो आप कुछ ना करें, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, 20%, और इसका फ्रैक्शनल मान कितना होगा, 1/5। जिनको मालूम नहीं है वो क्या करेंगे, 20% आप हटाओगे, डिवाइडेड बाई 100 करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। ये आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, ये नीचे वाली संख्या, ध्यान रखना, कोई भी जो ब्याज होता है नहीं, वो हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है। साधारण ब्याज तो ओनली फोर लगता ही प्रिंसिपल पर है, इसी तरह इसीलिए तो वो हमेशा प्रत्येक बार समान रहता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो साधारण ब्याज होता है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर लगता है, सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ही लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, डन, ठीक है। तो आप देखेंगे मेरे भाई कि ये तो नीचे वाला क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ, क्या हुआ, प्रिंसिपल। और देखो 5 का 20% कितना हुआ, 1 हुआ, ये SI है, बट ध्यान रखना इधर देखो ये क्या है, SI, बट ध्यान रखना 1 वर्ष का SI है, ओनली 1 ईयर, 1 वर्ष का SI, ठीक है। ये SI है, साधारण ब्याज है, बट केवल 1 वर्ष का है, क्योंकि ये एनुअली है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 20% वार्षिक, मतलब पहले 20%, पहले वर्ष 20%, अगले वर्ष भी 20%, अगले वर्ष भी 20%, फिर अगले वर्ष भी 20%, ठीक है, वार्षिक है यहाँ पर एनुअली, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, देखो भाई प्रिंसिपल तो कितना हुआ, 5 हुआ, ठीक है। SI की बात करते हैं, अब भाई 1 वर्ष का SI 1 है, 1 वर्ष का कितना है, SI 1 है, तो आप ये देखिए समय है कितना, 4, तो भाई 4 वर्ष का कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4 वर्ष का 4 बनेगा, समझ में आ गया, 4 वर्ष का कितना बनेगा, 4, क्यों बनेगा, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है नहीं, ये प्रत्येक वर्ष समान होता है। साधारण ब्याज क्या होता है भाई, प्रत्येक वर्ष समान होता है। हाँ भाई, राधे राधे, नमस्कार सभी को, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष समान होता है, ठीक है। अब आप देखिए आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 5, तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, 10,000 को, तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा, 5 × 2 = 10, मतलब 1 यूनिट का मान कितना बना, 2000। आपसे क्या पूछा है, SI पूछा है, तो SI 4 यूनिट बराबर कितना हो गया, 8000, ये आपका आंसर बनेगा। यदि आपको SI देता तो SI के बराबर में आप SI करते, समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ ना बोलिए मेरे भाई, क्लियर। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से आप दे पाओगे, ठीक है। हाँ भाई बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब देखो एक प्रश्न और मैं आपके लिए देता हूं, ठीक है, देखिए आप, जैसे कि भाई यहां पर आपको प्रिंसिपल मालूम नहीं है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है यहां पर 14/2/7%, ठीक है। टाइम की यदि हम बात करें तो टाइम है यहां पर 5 वर्ष, ठीक है, और अब आपको मिश्रधन दे रखा है, ये ए मतलब अमाउंट होता है, मिश्रधन बोलते हैं जिसको, अमाउंट इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको अमाउंट दे रखा है, ठीक है, 3600 रुपये आपको अमाउंट दे रखा है, तो आपको भाई प्रिंसिपल भी बताना है और साधारण ब्याज भी बताना है, SI भी आपको निकालना है, ठीक है। अब आप लोग फटाफट से करें, ठीक है, सेकेंडों में आंसर आना चाहिए। देखो आजकल आपको प्रश्न बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भारी भरकम प्रश्न नहीं है मेरे भाई, ठीक है, पर प्रश्न को सेकंडों में बनाना, समय के साथ बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। अब इसी प्रश्न को एक स्टूडेंट 1 मिनट के अंदर करेगा और इसी प्रश्न को एक स्टूडेंट 20 सेकंड में करेगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो 40 सेकंड आपसे आगे चल रहा है, और यदि वो 40 सेकंड आगे चल रहा है और ऐसा काम उसने 5 से 10 प्रश्नों में भी कर दिया, तो वो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। तो इसलिए आपको तरीके, ऐसे तरीके यूज करने हैं कि अपना समय बहुत कम लगे। तो आप लोग एक बार इस प्रश्न को बनाइए, फिर हम आगे की बात आपसे करेंगे, ठीक है। हाँ भाई आंसर दीजिए, हाँ भाई, शत्रुधन वर्मा, राहुल
हाँ भाई आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देंगे एक बार फटाफट से आंसर देंगे। हाँ भाई वेरी गुड, 3150 और 450 ये राहुल सिंह का आंसर आया है। और बोलिए भाई सभी लोग आंसर दीजिए, जितने बच्चे आप लोग देख रही है। देखो अब आप अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, ठीक है, आपने क्या पढ़ रखा है और आपको पढ़ना क्या चाहिए, ठीक है, दोनों में आप लोग फर्क देखते चलिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस कराऊंगा, पर पहले आपको एक बार बेसिक जरूर समझाऊंगा कि यार हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है, ये जरूर समझाऊंगा। मैं प्रैक्टिस कराऊं आप पे पैटर्न फॉलो ना हो फिर कोई मतलब नहीं हुआ हमारी प्रैक्टिस कराने का, ठीक है। तो आपको साथ लेके मुझे चलना है और साथ लेके चलना है तो आपका साथ देना पड़ेगा, ठीक है। यस देखो कुछ बच्चों का आंसर आया है, यस। और बोलिए भाई सभी लोग आंसर बोलिए, देखो राहुल सिंह ये शत्रुघ्न वर्मा, ठीक है, और भी कुछ लोगों के आंसर आए हैं। हाँ भाई सभी लोग आंसर दीजिए, ठीक है, बनाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। और जिन लोगों से नहीं बन रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं का बनाना हम बैठे हैं, ठीक है, बट ध्यान रखना आप यदि पेड़ बैच के अंदर और आ जाते हो तो मैं आपको 100% बोल दूं कि आप ऐसा हो नहीं सकता कि मैथ आपकी अच्छी ना हो, ठीक है। देखो थोड़ा सा समय देना पड़ता है, ठीक है, पेड़ बैच के अंदर हम आपको पूरा जीरो लेवल से उठाते हैं, पूरा तरीके से तैयार करते हैं, फिर आप यहाँ पर बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो, ठीक है। चलो देखो कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, कुछ से नहीं हुआ, ठीक है। देखो आप यहाँ पर देखो, अब आप इस प्रश्न को फॉर्मूले से करोगे, देखिए आप अपना फर्क देख लेना, ठीक है, आप इसको फॉर्मूले से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिश्रधन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, ठीक है, और आप जानते हो मेरे भाई ए बराबर क्या होता है, पी प्लस आई होता है, ठीक है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। अब आपको मिश्रधन दे रखा है कितना, 3600, तो मिश्रधन के बराबर मिश्रधन किया आपने, अमाउंट के बराबर हम अमाउंट किया, ठीक है। प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है, आई आई मतलब ब्याज, एस आई बराबर होता है पी गुना टी गुना आर बटा सौ, पी कितना है पी, टी कितना है पांच, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14/2/7%, 14/7/98 और दो कितना हुआ 100/7% हटाइए भाग 100 का। अब आप इसको सॉल्व करोगे और आपका आंसर बनाओगे, यही तो करोगे आप, ठीक है। तो देखो आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस प्रकार सॉल्व करोगे कि भाई 100 से 100 कट गया, अब नहीं कटेगा, तो 7p और p कितना हुआ 5p कितना हुआ 3600 बराबर 12p अपॉन कितना 7, ठीक है। तो यहां पर देखो 12 तिया के 36, ठीक है, और आप देख रहे हैं यहां पर क्रॉस करेंगे यही बनेगा नहीं, तो 3600 ये ना, तो ये 7p में 5p जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप कहीं गलती तो नहीं की आपने आपके आंसर कहीं गलत तो नहीं आ रहे भाई। देखो यहां पर आपको मिश्रधन दिया, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है, ऐसा ही बराबर यहां पर देखो 14/7/98, ठीक है, 98 और 2 कितना हुआ 100/7% हटाया 100 से 100 कट गया, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर 7p और 5p, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर 12p, ठीक है, कितनी बार कटा 3 बार कटा, 12 × 36 300 बार, और यहाँ पर p बराबर कितना आ गया 7 × 2100 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ये तो आपने बेसिक तरीके से किया, आपसे SI भी पूछे, क्या पूछे SI, SI बराबर क्या होता है p गुना t गुना r बटा 100, तो p कितना है 2100, t कितना है 5, r कितना है यहाँ पर 100/7, ठीक है, यहाँ पर देखिए 100 से 100 कट गया, ठीक है, और 7 से कितनी बार कट गया 300 बार, और 3×5 = 1500 रुपये, ये आपका ऐसा ही बन गया। ये तो आपका बेसिक तरीके से आपने किया है प्रश्न को, कौन से तरीके से किया है, बेसिक से। अब आप देख रहे हो आपको कितना समय लगा, बेसिक से करने में आपको समय लगा। अब इसी प्रश्न को आप दूसरे तरीके से यदि करोगे तो किस प्रकार से करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से आपको नहीं करना, क्योंकि इस तरीके से यदि आप प्रश्नों को करोगे तो आपको समय लगेगा, ठीक है। अब इसी प्रश्न को आप दूसरे तरीके से करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी प्रश्न को आप दूसरे फॉर्म में करोगे किस प्रकार से करोगे ये ध्यान रखना। देखिए आप सेकंड तरीका, देखिए आप कुछ ना करें, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14/2/7%, और आप मुझे ये बताइए कि भाई 14/2/7% का फ्रैक्शनल मान कितना होता है, आप कहोगे सर 1/7 होता है,
ये सात क्या है यहाँ पर, पी है प्रिंसिपल, और सात का 14 से 2/7% कितना है, एक। ये एसआई बना है, पर ध्यान रखिएगा एक वर्ष का एसआई है, ये ध्यान रखना आप, एक वर्ष का एसआई है। अब आप देखिए मेरे भाई कि भाई प्रिंसिपल तो कितना है आपका, 7 है, और एसआई जब एक वर्ष का एक है तो 5 वर्ष का कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, समय 5 वर्ष है। और आपको मिश्रधन दिया है, क्या दिया है, मिश्रधन, और मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो मिश्रधन बनेगा, तो ए बराबर 7 और 5 कितने हो गए, 7 + 5 कितने होंगे, 12, और ये 12 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई, 3600 को, ठीक है, तो एक यूनिट का मान कितना बना, 12 + 3 = 36, 300 बनेगा। अब आपसे जो पूछा है वो निकाल दो, आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो 7 × 300 7 × 2100 आया है, आपसे अमाउंट पूछा है तो 5 × 300 मतलब 1500 आया है। देखो कुछ लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है, गलत आए हैं आपके आंसर भाई, ये 450 बोल रहे हैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं भाई, कितनी बड़ी गलती है। अब आप देख लो, इस तरीके से करोगे आप विद इन सेकेंडों में, 15 से 20 सेकेंड में आप प्रश्न का आंसर करेक्ट फॉर्म में लाओगे, तो ये समझ में आ रहा होगा आपके। आप देख पा रहे हैं प्रश्नों के अंदर फर्क देख रहे हैं, डिफरेंस देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से आप इन प्रश्नों का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाओगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया, देखो ये रहा प्रश्न, कुछ बच्चों ने पढ़ भी रखे हैं ये प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है। देखो यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है, 3 वर्ष के लिए, ठीक है, समय कितना है यहाँ पर, 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5 या फिर 12 से 1/2% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है, ठीक है, हाँ, एक ईयर का निकालोगे तो ऐसे ही गलत होगा आपका, समय 5 ईयर है भाई, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है, जो साधारण ब्याज है ना ये मूलधन से 3500 रुपए कम है, मतलब पी से 3500 रुपए कम है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि भाई मूलधन बताना है और ब्याज भी बताना है। अब आप देखिए, आप इनको पुराने तरीके से करते हो या फिर आप एक बार ट्राई करके देख लो, आप एक बार ट्राई करके देख लो आप कैसे करोगे, देख लेना, फिर मैं आपको नया तरीका सिखा दूंगा, मुझे पता है वो करोगे जैसे आप। एक मिनट का समय आप लोग करिए, हाँ भाई कीजिए, सबका आंसर आना चाहिए। गुड मॉर्निंग भाई सुष्मिता सोरेन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, यस बोलिए, आंसर बोलिए, इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप, वेरी गुड। देखो कुछ लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, राहुल सिंह 5600 2100 भी आंसर आ रहे हैं, और बोलिए आप, सभी लोग आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए आप, देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ना है। एक तरीका तो ये है, आप फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, पर अब हम उन तरीकों पे नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5% या फिर 12 से 1/2%, इसका भिन्न का मान होता है 1/8। और आप ये बताइए कोई भी ब्याज हमेशा लगता किस पर है, प्रिंसिपल पर लगता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फ्रैक्शन वाला बहुत सही मेथड है, इसमें कोई शक ही नहीं है। प्रिंसिपल कितना हुआ, 8, और 8 का 12 से 1/2% कितना हुआ, 1 हुआ। ये क्या है, ऐसा ही है, ये एक वर्ष का ऐसा ही है, एक वर्ष का ऐसा ही, ठीक है। अब आप देखिए, देखो प्रिंसिपल तो कितना हुआ, 8, और ऐसा ही की यदि बात करें तो एक वर्ष का एक है तो समय कितना है यहां पर, 3, 3 वर्ष का कितना होगा, 3। अब प्रश्न कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है मूलधन से 3500 रुपए कम है, ठीक है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल से 3500 रुपए कम है, और आप यहां पर देखिए यहां पर कितना कम दिख रहा है आपको, 5 यूनिट कम दिख रहा है, और एक्चुअल में कम है कितना, 3500 रुपए कम है, तो एक यूनिट का मान कितना बनेगा, 7 × 5 = 3500, तो एक यूनिट बराबर कितना बन गया, 700 बन गया, एक यूनिट का मान कितना बन गया, 700 बन गया। आपसे क्या पूछा है कि भाई प्रिंसिपल बताइए, तो मल्टीप्लाई बाई 700 कितना हो गया, 5600।
आपसे पूछा है कि भाई ऐसा ही बताइए, तो मल्टीप्लाई बाई 700 आप कर सकते 2100, कुछ भी निकाल दो आप विद इन सेकेंडों के अंदर प्रश्न का जवाब दे सकते हो। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो बिल्कुल बताइए, सिंपल वे में आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो ये कि यही प्रश्न है, ये कि यही प्रश्न है, और इसका आंसर तो आप सभी लोग सही देंगे, मुझे जितना उम्मीद है, और जो भी बच्चे देख पा रहे हैं। ठीक है बेटा, बस एक काम आपको करना है, यूट्यूब की फीस बस यही फीस है आपकी, यूट्यूब पर यदि आप पढ़ते हो, कि आप एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को आप लाइक भी करो, शेयर भी करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो करिए आप। ठीक है, अभिषेक मिश्रा, सुष्मिता सोरेन, हाँ भाई आंसर दीजिए, प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और सभी बच्चे आंसर देंगे, बड़े अच्छे से आंसर देंगे। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी 12 बजे से आपकी रीजनिंग की भी क्लास लगेगी। ठीक है, क्लियर। क्योंकि देखो सुबह तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासों में व्यस्त होते होंगे, हाँ भाई आंसर दीजिए, विद इन सेकेंडों में आंसर आना चाहिए, मिनटों का काम नहीं है, अब सेकेंडों का काम चलेगा मेरा भाई, सेकेंडों का। तो देखिए, कोई धन 4 वर्ष में लगा साधारण ब्याज, प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है। ठीक है, समय कितना है 4 वर्ष, 4 वर्ष में लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6/2/3%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखना 6/2/3%। अब जिनको फ्रैक्शनल मान यदि मालूम नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है उनको, आप ऐसा करें, आप परसेंटेज की पहली वीडियो पढ़ें, ठीक है, परसेंटेज आप सर्च करोगे मेरे नाम से, तो परसेंटेज की पहली वीडियो आप पहली और दूसरी दो वीडियो को पढ़ लो, ताकि आपका जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है ना, ये टेबल परसेंटेज वाला, ये आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जो साधारण ब्याज है ये मूलधन से 4400 रुपये कम है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल भी बताना है और SI भी बताना है। देखो कुछ लोगों के बहुत बढ़िया आंसर आए हैं, अब ये क्या नाम है, शत्रुधन वर्मा, ठीक है, सुरजीत यादव, वेरी गुड आंसर आ रहे हैं, और सभी लोग आंसर दीजिए आप। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से आंसर दीजिए, ताकि आप आंसर दे पाओ, सीख पाओ। ठीक है, और देखो तरीके से कीजिए भाई, ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप सीख पा रहे हो, ठीक है, आंसर दे पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हाँ भाई आंसर दीजिए, यस, और भी लोग आंसर दीजिए, सभी बच्चे आंसर देंगे, जितने प्यारे बच्चे देख रहे हैं सभी लोग आंसर देंगे, चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, लाइक एंड शेयर जरूर करते चले, यदि आपको लग रहा है कि मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख पा रहा हूँ, कुछ पढ़ पा रहा हूँ, कुछ थोड़ा बहुत गेन कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो जरूर आप लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे। ठीक है, हाँ भाई आंसर दीजिए सभी लोग, यस। चलो देखो कुछ लोगों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। आपको कुछ ना करना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ना है 6/2/3%, और आप ये बताइए इसका फ्रैक्शनल मान कितना होता है, 1/15 होता है कि नहीं होता। ठीक है, यदि किसी को नहीं है मालूम कि सर मुझे याद नहीं है, तो आप देखिए सॉल्व कर लो 6/2/3%। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 36/18/2 कितना हुआ, 20/3, और आप परसेंटेज हटाएंगे गुना 1/100, तो ये 20 से कितनी बार कटा, 5 बार, और 5 * 3 = 15। ठीक है, आप सॉल्व भी कर सकते हो, यदि किसी को मालूम नहीं है तब बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 15 क्या है, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल है, और 15 का 6/2/3% ये क्या है, SI है, पर कितने वर्ष का SI है मेरे भाई, 1 वर्ष का SI, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, 1 वर्ष का SI। अब आप देखिए पी तो कितना हो गया, 15 हो गया, और SI, अब आप देखिए जब 1 वर्ष का SI 1 है, 1 वर्ष का SI जब 1 है, तो आप देखिए समय कितना है, 4 है, तो 4 वर्ष का SI कितना होगा, 4 होगा। और क्लियर प्रश्न में बोला है कि जो साधारण ब्याज है मूलधन से 4400 रुपये कम है, यहां पर कितना कम दिख रहा है आपको, 11 यूनिट। देखो आप 15 में से 4 करो तो यहां पर देखो साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम दिख रहा है मेरे भाई, 11 यूनिट, और एक्चुअल में कम है कितना, 4400 रुपये कम है, तो
एक यूनिट का मान कितना आएगा, 400 आएगा। जब एक यूनिट का मान 400 आ गया तो यहाँ पर 15 यूनिट का मान कितना बनेगा, 15 × 60 = 6000। यदि आपसे सिर्फ प्रिंसिपल पूछे तो आप बता सकते हो इसका प्रिंसिपल कितना हुआ, 6000। और यदि आपसे ब्याज भी पूछे तो गुना 400, 4 × 16 कुछ भी पूछ, आप विद इन सेकंडों में आंसर देने के लिए तैयार हो। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में। रोहित कुमार, जितने भी बच्चे आप लोग देख पा रहे, ठीक है, बट ये कब कर पाओगे, एक तो आपको परसेंटेज की बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, यदि आपको परसेंटेज की अच्छी नॉलेज है, ठीक है, तो आपके तरीके भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, डन है, दिमाग में क्लियर है, बातें आप समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत है क्या, बोली है, नहीं है दिक्कत, अच्छी बात। ठीक है भाई लोगों, समझ में आ गया, एक बार यस और नो बोलिए, यस सर समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये बेसिक फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, अब एक प्रश्न मैं आपके लिए दूं, आप सभी लोग सही करोगे, आप आंसर सभी लोग सही करेंगे, नहीं अभी कुछ लोगों के गलत आ रहे, कुछ के सही आ रहे, पर एक प्रश्न में आंसर दूं आप सभी लोग करोगे सही। चलो, एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग गलत नहीं करोगे। ठीक है, मुझे पूरी इतनी उम्मीद, आप सोच सकते हो कि कितनी उम्मीद होगी। ठीक है, बट ध्यान रखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर 16 × 2/3%, या फिर ऐसा करो आप, ये मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 6 × 1/4%। ठीक है, और समय है यहां पर 3 वर्ष, मान लो समय कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, समय कितना माना आपने, 3 वर्ष। और जो साधारण ब्याज है ना, ये मूलधन से, ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन से, ठीक है, कितना कम है, तो ये है 1690 कम है। ठीक है, क्या नाम कम है, 1690। तो आपको बताना है, प्रिंसिपल भी बताना है और एसआई भी आपको बताना है। और जो भी बच्चे आंसर देंगे, मतलब ये समझो वो मतलब बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और वो कुछ नया जानते हैं। ठीक है, वो नया जानते हैं, नया सीख चुके हैं। ठीक है, हाँ भाई, सभी लोग आंसर देंगे, आप सभी बच्चे आंसर देंगे। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है मेरे भाइयों। ठीक है, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना है। ठीक है, और ना भूलने देना है। ठीक है, आ रहा है समझ में, यार ये क्यों बजा, हाँ भाई आंसर बताइए, फटाफट से आंसर आना चाहिए। ठीक है, सभी लोग आंसर देंगे, आप लोग जितने प्यारे स्टूडेंट देख पा रहे हैं, सभी लोग देखो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए भाई, यही तो चाहिए, यही तो हमें देखना है आपसे। हाँ भाई, सुरजीत यादव 390, ठीक है, शत्रुधन वर्मा 200, कब क्या बोल रहे हैं भाई, 2080, सुष्मिता सोरेन 2028, अभी भी स्टूडेंट के क्या है, कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अभिषेक मिश्रा 2080, वेरी गुड, और बोलिए, सभी लोग आंसर देंगे, जितने बच्चे देख पा रहे हैं सभी लोग आप आंसर देंगे। देखो, आंसर देने की आदत डालो, प्रश्न बनाने की आदत डालो, जब तक आप प्रश्न नहीं बनाओगे, जब तक आप पेन कॉपी नहीं चलाओगे, पेन को नहीं चलाओगे कॉपी पे, जब तक आप गणित में तो अच्छे नहीं हो सकते, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप कभी भी किसी भी टीचर की क्लास लो, मैथ की यदि क्लास ले रहे हो आप, ठीक है, तो आप पेन और कॉपी अपने साथ लेके बैठिए और बिल्कुल खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आ रहा नहीं समझ, वेरी गुड। देखो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो करो नहीं, आप एक दिन गलत करोगे तो सही भी करोगे। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप जरूर सही करोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं आपकी बातें। चलो ठीक है मेरे भाई, देख लेना आप। ठीक है, अब देखो काफी लोगों के आंसर सही भी होंगे इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं हो सही। ठीक है, और यदि सही हो गए तो आप समझ लो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे
चल रहे हो, ठीक है, आप इसको रेगुलर बनाए रखना, ठीक है, और रेगुलर हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब आप देखिए मेरे भाई, यहां पर आपको कुछ नहीं करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6/1/4%। अब इसका भिन्न का मान यदि किसी को मालूम है जब तो 1/16 हो गया। और कोई बच्चा कहे कि सर हमें मालूम नहीं है, तो नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, 6/1/4%, ठीक है। तो यहाँ पर 6×6=24 और कितना हो गया 25/4, और परसेंटेज बनाएंगे किससे, गुना करेंगे 1/100 से, ठीक है। तो 25×100, 4×16, 1/16 आ गया, ठीक है। यदि आपको मालूम नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो, ठीक है, परेशान नहीं होना, ठीक है। आप जानते हुए 16 क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल है, ठीक है। और भाई 16 का 6/1/4% ये क्या हुआ, ऐसा ही बना, पर कितने वर्ष का ऐसा ही बना, एक वर्ष का ऐसा ही बना। कितने वर्ष का ऐसा ही बना मेरे भाई, एक वर्ष का। अब आप देखिए, देखो प्रिंसिपल तो कितना हो गया, 16 हो गया, और एसआई की यदि बात करें, अब आप देखिए एक वर्ष का जब एक है एसआई, देखो एक वर्ष का जब एक है तो आप ये देखिए समय कितना यूज कर रहे हो आप, 3 वर्ष। तो भाई 3 वर्ष का एसआई कितना बनेगा मेरे भाई, 3 बनेगा। और जो साधारण ब्याज है मूलधन से 1690 कम है, यहां पर कितना कम दिख रहा है, 13 यूनिट, और एक्चुअल में कम कितना है, 1690। अब आप 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 13 से सिंप्लीफाई करो, कितनी बार कटेगा, 130। तो आप देख रहे हैं यहां पर 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 130। आपसे क्या पूछा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 130, ठीक है। तो यहां पर देखो गुना करो, 16 3 48, 16 एकम 16, 16 और 4 कितना हुआ, 20, ये आपका आंसर हुआ। यदि प्रिंसिपल पूछे तो आप बता सकते हो कि भाई 2080 प्रिंसिपल है। यदि प्रिंसिपल पूछे तो आप बेझिझक बता सकते हो कि भाई इसका प्रिंसिपल कितना है, 2080 इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। पूछे तब बताना है, ध्यान रखना, कब, जब पूछे तब बताना है मेरे भाई, ठीक है, पूछे तब आपको बता देना है। यदि आपसे एसआई भी पूछे तो एसआई बता दो आप, 13 3 39 390, ये आपका एसआई बने। कुछ भी पूछ ले, चाहे प्रिंसिपल पूछे चाहे एसआई पूछे, आप निकाल सकते हो, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ लाइक नहीं किए अभी कुछ बच्चे ने, तो बच्चे ध्यान रखना, यदि आपके समझ में आया, आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर हम कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करो। तो आप सभी बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं, फटाफट लाइक करो आप लोग, अच्छा लग रहा है तो, अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक भी है, डिसलाइक भी करो, ठीक है, पर करें आप कुछ तो करें, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर है सभी के दिमाग में है कुछ। अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, ठीक है। बहुत प्रश्नों की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, बहुत अच्छा कराने वाला हूं, ठीक है। आप खुद ये कहोगे कि वास्तव में मजा आ गया, इतने क्वेश्चन हमें करने को मिल गए, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर सभी को, सभी बच्चों ने लाइक किया है, शेयर भी करें आप लोग, शेयर जरूर करेंगे आप लोग, चाहे आपके फेसबुक पेज पे, आप फेसबुक पे कर सकते हो, कोई पैसा तो लगता नहीं है शेयर करने का। आपके जो आप व्हाट्सएप ग्रुप करते हो उन पे भी शेयर कर सकते हो, या फिर आपके स्टेटस पे भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, जहां आपको अच्छा लगे, आपके स्टडी ग्रुपों में भी आप क्लास को शेयर कर सकते हो, ठीक है भाई। क्लियर, समझ में आ गया, चलो हम आगे की बातें करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, क्लियर। तो ये अपना बेसिक, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्नों को करोगे, ठीक है भाई। आगे बढ़े, देखिए आप अब ये इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। और आप लोग एक बार आप खुद करने का प्रयास करो, ठीक है, आपने कैसे सीख रखा है, जल्दी सीख रखा है या फिर लेट करना सीख रखा है, कैसे आपने सीख रखा है, ठीक है, आप उसके भी आप पे आप लोग आंसर दीजिए, जैसे आप पे आता है वैसे आप आंसर दीजिए, फिर हम हमारा तरीका बताने वाले हैं और आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देखो पहले तो क्या कर रहा था, सिर्फ मैं फटाफट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है, अब मैं आपको सिखाने भी वाला हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर मैं यूट्यूब पर आपको सिखाने भी वाला हूँ, और वो तरीके सिखाने वाला हूँ जिन प्रश्नों को आप सेकेंडों में तोड़ सकते हो, ठीक है। अब कंजूसी मत करो आप लाइक में यार, आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है, कीजिए आप लोग, बड़ा अच्छा लगेगा, आप लोग आंसर देंगे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। करें आप, जैसे आप पे प्रश्न आता है वैसे आप आंसर दीजिए। और जो बच्चे अभी भी चैनल पर नहीं आए हैं तो देखिए मेरे भाइयों, चैनल अपना यह है एग्जाम फंडा। कभी कभार क्या है, अभी कुछ दिन चैनल को कुछ लोगों ने हैक कर लिया,
ठीक है, और हैक करने से चैनल की क्लासेस कुछ दिन बंद हो गई। नुकसान कुछ नहीं, ठीक है, बस नुकसान ये हुआ, कुछ बच्चों का नुकसान इसलिए कि उनकी कंटिन्यूटी टूट गई, ठीक है, आ रहा नहीं समझो, जो हम कंटिन्यूटी बना रखी थी वो 5-10 दिन जैसे चैनल बंद हुआ उससे टूट गई, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर से रुकना नहीं है, मुसीबत है, तकलीफें हैं, पर हमें रुकना नहीं है। फिर चालू हो गया चैनल, फिर चालू हो गई क्लासेस, क्लासेस बंद नहीं होंगी, ठीक है, ये तो चलती रहेंगी, ठीक है। यस, आंसर बोलिए। हाँ भाई, अभी कोई बच्चे का आंसर नहीं आया है, ध्यान रखना, किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है, और आंसर तो देना पड़ेगा, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, लड़ना है, ठीक है, युद्ध जीतना है तो लड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है, वेरी गुड। देखो कुछ, ये सुरजीत यादव, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया आंसर दिया इन्होंने, 14,230, अब सही होगा गलत होगा ये तो बात की बात है, पर अभी आंसर तो दिया है इन्होंने, बहुत बढ़िया बेटा, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे बच्चे यार मेहनत करते हैं ये बच्चे, ठीक है, इसलिए आंसर देते हैं, ठीक है, ऐसे ही थोड़ी ना है, ठीक है, यस, आंसर दीजिए मेरे भाई, वेरी गुड, ठीक है, मैं आपको समय दे रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं आपको समय नहीं दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, आप लोग करें, आप प्रश्न बनाना करें, ठीक है, समय बचाना तो हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। ये हनी तंवर गेटो गोटोर क्या है, ये बी आंसर बोल रहे हैं, बी मतलब 14,288 आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं, और लोग आंसर दीजिए, हाँ भाई आंसर दीजिए आप लोग, सभी लोग आंसर देंगे। अब देखो कुछ बच्चे इसको कैसे करते हैं, कुछ कैसे करते हैं, तो आप सभी अपना अपना तरीका देख लेना, कौन सा तरीका आप लगा रहे हो और हम कौन सा तरीका आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ये प्रिंस गुप्ता 14,290 आंसर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है, ठीक है। ये नैनी मिश्र, इनका सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, और बोलिए, सभी लोग आंसर बोलिए, और बेटा प्लीज चैनल को लाइक तो कर दो, आप क्लास को लाइक तो कर दो भाई, लाइक में कोई कंजूसी नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, निक्की कुमारी, इनका डी आंसर आ रहा है, चलो देखो बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जो आंसर दिया बहुत बढ़िया, अब आपने अपने चेक कर लेना, क्या तरीका लगाया, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, सब कुछ देख लेना, और आप मेरा तरीका भी देख लेना, ठीक है। इधर देखो, जो प्रश्न कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे, हम प्रश्न के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, ठीक है। इधर देखो, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 6% की दर से, ठीक है, पहले 3 वर्ष जो साधारण ब्याज है कितना है, 6% के लिए, ठीक है, 6% की दर पर। अगले 4 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, 7%, ठीक है, और 7 वर्ष से आगे कितना है, 7.5%। अब भाई 7 वर्ष से आगे इसका मतलब क्या है, अब आप देखिए, और फिर कह रहा है कि भाई 7.5% वार्षिक है, एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश करता है, कितने वर्ष के लिए, 11 वर्ष। अब आप देखिए दोस्तों, ये 11 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है, ठीक है, अब आप देखना इधर, अब इन 11 वर्ष में, इन्हें 11 वर्ष में पहले 3 वर्ष के लिए हो गया, अरे हाँ ना बोलिए, फिर अगले 4 वर्ष के लिए हो गया, ठीक है, और अब बचे कितने, देखो 11 वर्ष में से पहले 3 वर्ष के लिए हो गया, फिर अगले 4 वर्ष के लिए हो गया, अब कितने वर्ष और बचे, तो 3 और 4 कितने, 7, और 11 में से 7 के कितना बचे, ओनली 4 वर्ष। अब ये 4 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, और आप अच्छे से जानते हो कि भाई एनुअल है, ठीक है, वार्षिक है, ठीक है, तो आप इनको एक बना लो। एक तरीका तो ये है, पहले 3 वर्ष अलग कैलकुलेट करो, अगले 3 वर्ष अलग कैलकुलेट करो, फिर अगले 4 वर्ष अलग कैलकुलेट करो, सबको आप जोड़ोगे फिर आपका आंसर आएगा। पर हमें इतना कुछ नहीं करना मेरा भाई, इतना समय है नहीं है, हमें प्रश्न को सेकेंडों में करना है, प्रश्न को इजी बनाना है, फटाफट करना है, तो आपको तरीके भी भाई यूज करने पड़ेंगे। आप इनको गुना कर दो, क्या कर दो, गुना, तो यहां पर कितना आएगा, 18% आएगा, मतलब आपने 3 साल का एक साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट बना लिया, ये कितना आ गया, 7 चौका 28% आएगा, और ये कितना आएगा, 7 चौका 28, और ये 2 मतलब कितना हो गया, 30% आएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 30% आएगा, ठीक है। इन सबको ऐड करो आप, तो 8 और 8 कितना हुआ, 16, 3 2 5 और 1 6 कितना आ गया, 76% आ गया, मतलब आपने जितना भी 11 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था इसको सबको एक बना लिया, क्या बना लिया, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बना लिया। और आप जानते हो मेरे भाइयों अच्छे से कि भाई SI बराबर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल वे में करना है,
एस आई बराबर पी गुना टी गुना आर बटे में सौ, यही होता है दोस्तों। अरे हाँ ना बोलिए, यही होता है। और आप ये देखिए एस आई कितना है, तो एस आई तो आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 18,800। अब एक चीज ध्यान रखने वाली ये बात है, समय हमेशा एक वर्ष, तो ध्यान रखना चूंकि समय हमेशा एक वर्ष। क्यों समय हमेशा एक वर्ष, क्योंकि आपने सबको एक बना लिया, समय हमेशा एक वर्ष। क्यों, क्योंकि आपने जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी सबको एक बना लिया, ठीक है। गुना आर बटे में क्या लगाओगे आप, 100 लगाओगे, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी नहीं आपकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 76, ठीक है। सॉल्व करोगे आपका आंसर बनेगा, तो यहां पर देखिए 20 से 20, अब आप इसको गुना कर लो नहीं, आप 188 गुना 76, तो आप देखिए पीछे के अंक से ही पता चल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहां पर देखो 8 6 48, ठीक है, इसमें 8 नहीं आ रहा, इसमें 8 नहीं आ रहा, इसमें ही आ रहा है, सिर्फ इसमें भी नहीं आ रहा, तो आपका आंसर क्या हुआ 14,288, ये लो। आगे ना समझ में, अब ये आपको चालाक बनना है आंसर निकालने के लिए। आपको मालूम है सिर्फ एक अंक को गुना करोगे पूरा, क्यों गुना करने बैठो, एक में ये 8, ये आपका आंसर हुआ, तो आपका आंसर क्या हुआ 14,288, ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ रहा है। तो आप ईमानदारी से बताइए दोस्तों, किस किस को ये मेथड अच्छा लगा, किस किस के दिमाग में ये फीट हुआ, ठीक है। फिर एक प्रश्न और दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। हाँ भाई प्रिंस गुप्ता बेटा आप इधर देखिए, ठीक है, तो आपके कुछ लोगों के आंसर गलत थे, ठीक है, क्यों गलत थे उसके पीछे का रीजन आपने देख लिया, ठीक है, और आपने देख रहे भी होंगे क्लास को किस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं। ये सुरजीत यादव क्या बोल रहा है, प्रिंस गुप्ता आया क्या लिख रहे हो, गलत मत लिखो, तुम्हारी बहन मेरी बहन जैसी ही है किसी की बहन होगी। हाँ प्रिंस क्या बोल रहा है बेटा, ऐसे तो कुछ गलत तो कुछ नहीं बोला इसने, हलो किया है पर कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है। और एक बात और बताऊं आपको, बहुत बढ़िया एक बात ये है कि यहाँ पर YouTube पर, ठीक है, लड़के लड़कियों के नाम से आईडी बनाकर फिर मैसेज करते हैं, हैं, तो इसलिए किसी का कोई पता नहीं है लड़की है कि लड़का है, कोई पता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सब ब्लेंड, ठीक है, सब कुछ बंद है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर, अंधेरा है, अंधेरा कायम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें यहाँ पर, बस ये अपनी देखो सीधी सी बात, आप अपने अपने आप को ही गलत बोलते हो, यदि कुछ बोलते हो नहीं तो आप अपने आप को ही गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो इसलिए कभी आप समझदार हो, बच्चे हो नहीं सभी, ठीक है, भावी भविष्य हो इस भारत का, ठीक है, ओके, समझ में आ गया नहीं, चलो एक प्रश्न और लीजिए, ये रहा प्रश्न, ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप लोग सही आंसर दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पर बेटा ध्यान रखना, आप इस चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए, एग्जाम फंडा FANDA, बोलिए मेरे भाई आंसर बोलिए, हाँ भाई सभी लोग आंसर देंगे, जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट पढ़ पा रहे हैं, और मैं भी जब तक क्लास को शेयर कर देता हूं, ठीक है, मैं भी क्लास को शेयर कर देता हूं, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ भाई
क्लियर, वेरी गुड। देखो ये नीतेश प्रजापति 3800 आ रहा है, शत्रुधन इनका भी आंसर 3800 आ रहा है, हनी इनका भी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो ज़्यादातर लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों के आंसर नहीं आए हैं, कुछ के आ गए हैं, ठीक है, और जिनके नहीं आए हैं बिल्कुल परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना, नर्वस नहीं होना, ठीक है, वेरी गुड। रोहित कुमार इनका भी आंसर आया है, अभिषेक मिश्रा इनका भी आंसर आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, ठीक है। देखो ज़्यादातर लोगों के आंसर ठीक है। देखो आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल वे में आपको आंसर देना आना चाहिए, ठीक है, सिंपल वे में आपको प्रश्न का आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर एक धनराशि को पहले 2 वर्ष के लिए 3% की दर से, तो 2 × 3% कर दो आप, कितना बनेगा यहाँ पर 6% बनेगा, ठीक है। फिर अगले 3 वर्ष के लिए कितने परसेंट की दर से 8%, तो 3 × 8% कर दो तो ये 24% बन गया, ठीक है। और फिर बोला है 5 वर्ष के बाद, ठीक है, 10% वार्षिक दर से उधार दिया गया, यदि 6 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 1520 है। देखो टोटल 6 वर्ष के लिए लिया गया है, ठीक है, टोटल कितने वर्ष के लिए 6 वर्ष, इधर देखेंगे। अब इसमें 6 में पहले 2 वर्ष के लिए हो गया, अगले 3 वर्ष के लिए हो गया, तो 3 और 2 कितने हुए 5, तो अब कितने वर्ष के लिए बचेगा, ओनली फॉर 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के लिए बचेगा, ठीक है, तो 1 साल के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बचेगा मेरे भाई, 10%, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कितना आएगा 10%, और इन सबको आप ऐड करोगे तो 24 और 6 30 और 10 कितना हो गया 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट बना, कितना बना 40%। और आप अच्छे से जानते हो कि SI बराबर क्या होता है, P×T×R/100 होता है, ठीक है। और आप ये देखिए आपको प्रश्न में दे भी क्या रखा है, SI दे रखा है, आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, SI दे रखा है। देखो इससे पहले जो हमने प्रश्न किया था उसमें आपको प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, तो आपने प्रिंसिपल लिखा था मूलधन, और इस वाले प्रश्न में आप देख रहे हैं आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर SI दे रखा है, तो SI कितना है मेरे भाई 1520 है, ठीक है। पी आपको याद करना है, समय हमेशा 1 वर्ष, ये ध्यान रखना, इसके जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपने सबको एक बना लिया, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 40, बटे में क्या लगाओगे 100 लगाओगे, सोल्व करोगे आपका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे आप, ठीक है, तो यहां पर देखो 4 × 3 = 12 और 4 × 8 = 32, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, क्रॉस गुना करेंगे तो पी बराबर कितना आ गया, सॉरी ये एक ही 0 है, कितना आ गया 3800। आपसे यही तो पूछा है कि भाई मूलधन कितना है, तो ये आपका आंसर आ गया कि मूलधन कितना है 3800, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब आप बताइए, किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप बेशक बता सकते हो, आप अपनी इच्छाओं को बता सकते हो, ठीक है। तो आप देखे होंगे इस तरीके से आप इन प्रश्नों को विद इन सेकेंडों में बता सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, रेगुलर हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, रेगुलर क्लास लेंगे, और मैं फिर कह रहा हूं जो बच्चे रेगुलर पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि भाई उनको नए नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी होगी, दूसरा उन तरीकों से प्रैक्टिस करेंगे जिनसे प्रश्न सेकंडों में बने, ठीक है। बहुत कम समय में अच्छे मेथड के साथ हम लोग प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं मैं, और रेगुलर, ठीक है, 11 बजे रेगुलर क्लास रहती है, ठीक है, रेगुलर 11 AM आप लिख लीजिए, रेगुलर क्लास का टाइम है मेरा। और देखो पेड बैच भी चल रहा है शाम को 4 बजे, ठीक है, पेड बैच